बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू जोस किचन। कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो हमारी जो है वो किसी एक डिश के बारे में नहीं है। घर में कुछ गेस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए हम लोगों ने डिनर तैयार किया, तो मैंने सोचा आपको भी शॉर्ट शॉर्ट इसका रेसिपीज़ भी दे दूँ और इससे कुछ आइडिया भी हो जाता है कि अगर आपके घर भी कोई मेहमान आते हैं तो उससे मैं भी कुछ चीज़ आपको क्लिक करें और आप भी इसको बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने मीठे से स्टार्ट किया। मीठे में मैंने बहुत ही मज़े का मैंगो डिज़र्ट बनाया। ये एक तरह से मैंगो ट्राइफल थी जिसमें कस्टर्ड, मैंगोज, जेली और बिस्किट्स भी हैं। इसमें मैंगो और कस्टर्ड के साथ इसकी लेयरिंग की, ऊपर से बिस्किट्स जो हमने ग्राइंड करके रखे थे, ये कैंडी और मैरी बिस्किट मिक्स हैं, वो ऊपर स्प्रेड किए और क्रीम के साथ इसका लास्ट जो था वो सेटिंग की और अच्छा सा गार्निश किया और इसको फ्रिज में रख दिया। क्रीम जो है वो व्हिपिंग क्रीम नहीं है, नॉर्मल फ्रेश क्रीम है। सबसे पहले केक स्प्रेड किया था। कोई भी केक आप सिंपल वाला इसको स्प्रेड कर सकते हैं, घर में भी बेक कर सकते हैं। मीठा सारा असेंबल करके फ्रिज में ऐसा नहीं रखा, क्योंकि जब भी काम का लोड ज़्यादा होता है मेरे पास तो वो मेरे साथ पूरी हेल्प करवाते हैं, हम दोनों मिलके ही काम करते हैं, तो इस तरह से काम बांट हो जाता है और बड़ी आसानी रह जाती है, बर्डन नहीं पड़ता। तो नेक्स्ट अब चिकन टिक्का पुलाव बनाना है मैंने, तो उसके लिए मैं टिक्का मैरिनेट कर रही हूँ। इसके सारे स्पाइसेस मोस्टली वही हैं जो रोस्ट में हैं, स्टीम रोस्ट में हैं, तो ये भी टिक्का स्टीम ही होगा। इसको मैंने मैरिनेट किया योगर्ट, लेमन और सारे मसालों के साथ, तो इसको मैंने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया। अब दूसरी साइड पे बना रहे हैं आलू गोश्त। आलू गोश्त के लिए 1.25 किलो मटन है, 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, 3 टमाटर ऐड किए और सारे स्पाइसेस डाले जो बेसिक हैं टेस्ट के मुताबिक, और पानी थोड़ा सा डाल के कुकर को बंद कर दिया। ये देखें टमाटरों का छिलका मैंने अब उतार दिया है, खोला है जब कुकर तो गोश्त तकरीबन गल चुका था। इसको थोड़ा सा कम गलाना है ताकि इसमें जब हम पानी ऐड करेंगे तो भी ये थोड़ा सा पकेगा। टमाटर मैंने पूरे इसलिए डाले थे कि इनका छिलका इजीली रिमूव हो जाएगा। फिर घी डाला। इसको फ्रेंड्स बहुत अच्छी तरह से भूनना है। लहसुन अदरक हमेशा मैं भूनते वक्त डालती हूँ, इससे आलू गोश्त का टेस्ट बहुत इन्हेंस होता है। मैंने कुकर में से निकाल के सालन कढ़ाई में ऐड कर लिया ताकि इसको अच्छे तरीके से भुना जा सके। चिकन कढ़ाई बन रही है। चिकन कढ़ाई में घी या ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाता है। लहसुन अदरक में मैंने चिकन फ्राई किया, स्पाइसेस डाले, प्याज ग्राइंड करके रखा हुआ था मैंने, इसको थोड़ा सा बॉईल किया था फिर ग्राइंड किया था, वो ऐड किया और अच्छा सा भुना। उसके बाद फिर टमाटर ऐड कर दिया और इसको स्टीम पे लगा दिया। 4 टमाटर थे ग्राइंड करके डाले मैंने, तो ये इससे इसी तरह पकेगा। थोड़ी सी हरी मिर्च भी ऐड कर दी। जब ये अच्छा फ्राई हो गया, पक गया, घी ऊपर आ गया, तो फिर मैंने इसके ऊपर दही डाल के और मेथी के साथ इसको दम पे लगाया। बहुत ज़बरदस्त बनी है। इसको मैंने फिर हरे धनिए से गार्निश कर दिया। ये हमारी कढ़ाई रेडी हो गई। टिक्का वेजिटेबल पुलाव के लिए मैंने पहले टिक्का स्टीम कर लिया, उसमें ऑयल नहीं डाला क्योंकि ऑयल ऑलरेडी हमने मैरिनेशन में ऐड किया था। उसके बाद बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने चावल बनाए हैं। प्याज को सौते किया, साथ हल्के हल्के मसाले ऐड किए। इसको बिल्कुल आपने लाइट से ही बनाना है, ये क्योंकि टिक्के के साथ खाया जाएगा, टिक्का ऑलरेडी स्पाइसी है तो चावल बहुत लाइट से होने चाहिए। दम पे लगाते वक्त मैंने वेजिटेबल्स डाल दी और ऊपर से फिर मैंने वो जो टिक्का स्टीम किया हुआ था वो भी साथ रख दिया। बेहतरीन से राइस रेडी हो गए। फिर मैक्रोनी सैलड बनाया था, उसकी रेसिपी मैं नहीं डाल सकी हूँ, इंशाल्लाह उसको मैं आपको अलहदा से बता दूँगी। तो ये हमारा बेहतरीन सा डिनर रेडी हो गया और माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना था, बहुत टेस्टी, सब ने बहुत पसंद किया। बहुत खुशी होती है उस वक्त जब खाने वाले आपकी बनाई हुई चीज़ को पसंद करें और खुश होकर खाएं, इससे आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन होती है। तो हमने भी बहुत इंजॉय किया सबके साथ, बहुत रिलैक्सिंग और क्वालिटी टाइम गुजार के। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।